फ्रेंड्स, हेयर आई एम गोइंग टू टीच यू SST कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। इन दिस चैप्टर वी शैल फोकस ऑन द लोकेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। फर्स्ट द लोकेशन ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। Indian Peninsula has narrow coastal plains on its eastern and western sides. भारत के प्रायद्वीपीय भारत में जो समुद्र तटीय मैदान है वह संकीर्ण रूप में फैला हुआ है और वह दक्कन प्लेट्यू में पूर्वी भाग में और पश्चिमी भाग में फैला हुआ है। यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है कोस्टल प्लेन्स का। पश्चिमी भाग में यह यहाँ से सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में आकर यहाँ कन्याकुमारी पर आकर इस पॉइंट पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और पूर्वी भाग में यह पश्चिम बंगाल से स्टार्ट होता है गंगा पॉइंट से और फिर यह भी आकर एंड में तमिलनाडु में कन्याकुमारी में आकर मिल जाता है। तो यह दक्कन प्लेट्यू में के क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है समुद्र तटीय इलाकों का और समुद्री किनारों पर इनका विस्तार पाया जाता है। इधर हमारा अरबियन सागर पड़ता है और इधर हमारा पड़ता है बे ऑफ बंगाल। भारत की बहुत सी नदियां अरब सागर में जाकर गिरती हैं और बहुत सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो कोस्टल प्लेन्स जो हमारा है वो पश्चिमी भाग में और पूर्वी भागों में पाया जाता है और इसी यहीं पर यही ट्रायंगुलर के शेप में हमारा क्या है, दक्कन प्लेट्यू भी है और इन्हीं में समुद्र तटीय मैदान का हमें विस्तार देखने को मिलता है। इनका विस्तार जो है संकीर्ण है, अगर हम देख सकते हैं तो ये क्या है, नैरो है, यह वाइड नहीं है। दूसरी बात कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट लोकेटेड हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं गुजरात, यहाँ पे हमारा क्या स्थित है, गुजरात, ये है हमारा गुजरात, ये है हमारा गुजरात, यहाँ पे हमारा गुजरात स्टेट देखने को मिलता है और ये गल्फ ऑफ कच्छ, ये पॉइंट हमारा क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ। और यहां पर है गुजरात कोस्ट, यहां पे क्या है, गुजरात कोस्ट है। और ये है गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ खंभात, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है इधर हमारा है कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट के बाद हमारा आ जाता है कर्नाटका, यहाँ पे हमारा पड़ जाता है केरला, और यहाँ पर है हमारा मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन्स के अगर पश्चिमी एरिया में हम देखते हैं तो हमारा क्या क्या पड़ता है, तो गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला। तो सबसे पहले हम गुजरात कोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गुजरात कोस्ट जो है तो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात के खाड़ी के बीच में हमारा पड़ता है गुजरात कोस्ट, ठीक है। ये रहा हमारा गुजरात कोस्ट, ये रहा हमारा गुजरात, ये रहा गल्फ ऑफ कच्छ
ये रहा गुजरात कोस्ट और ये है गल्फ ऑफ खंबात। तो गुजरात कोस्ट जो है तो गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में पड़ता है। उसके बाद हमारा पड़ता है यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे हमारा पड़ता है महाराष्ट्र। उसके बाद आता है कोंकण कोस्ट। अब गुजरात कोस्ट जो है तो यहाँ की जो मिट्टी है गुजरात कोस्ट की बहुत उपजाऊ है और इस मिट्टी पर कपास की खेती की जाती है और इस क्षेत्र का अहमदाबाद जो शहर है वो बहुत ही फेमस शहर है, प्रमुख शहर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगर कोंकण कोस्ट की, तो कोंकण कोस्ट जो है तो गल्फ ऑफ खंभात तक फैला हुआ है। कोंकण कोस्ट जो है तो गल्फ ऑफ खंभात से स्टार्ट होता है और मलाबार कोस्ट तक इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारी खाड़ी भी देखने को मिलती है, यहाँ पे बहुत सारे बंदरगाह बनाए गए हैं। मुंबई में एक ऐसा बंदरगाह बनाया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है जिससे वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है देश विदेश को, और यहाँ पे बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भी पाया जाता है जिसे मुंबई शहर को हम क्या कहते हैं, बॉलीवुड के इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ कोंकण कोस्ट का विस्तार। अब हम बात करते हैं मालाबार कोस्ट। तो मालाबार कोस्ट जो है तो सुदूर दक्षिणी भागों में पाया जाता है, पश्चिमी क्षेत्र के सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में मालाबार कोस्ट का विस्तार हमें देखने को मिलता है। यह गोवा से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये रहा हमारा गोवा, यह गोवा से स्टार्ट होता है और आकर कन्याकुमारी पर मिल जाता है। इसमें कौन कौन से स्टेट शामिल होते हैं, तो गोवा, ये रहा हमारा गोवा, ये रहा हमारा कर्नाटका, ये रहा। तो ये सब जो एरिया है ये किस में मिलता है पड़ता है, तो मालाबार कोस्ट पर पड़ता है। और इस मालाबार कोस्ट पर कोची नाम का बंदरगाह है जो बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जिससे वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का विस्तार यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है और यह आकर कन्याकुमारी में इसका अंत होता है और ये कन्याकुमारी पर आकर मिल जाते हैं। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें कौन कौन सा स्टेट देखने को मिलता है, तो फर्स्ट है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो ये तो रहा हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, अब हम बात करते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमारा सबसे ये गंगा के पॉइंट से स्टार्ट होता है, गंगा के माउथ से, और फिर यहाँ पे हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इतने स्टेट हमारे पड़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्दर्न सिर्कर्स की। तो नॉर्दर्न सिर्कर्स हमारा इस साइड में पड़ता है और नॉर्दर्न सिर्कर्स जो है तो गंगा के माउथ से पश्चिम बंगाल में स्टार्ट होता है और आंध्र प्रदेश में फ्लैश देवी पॉइंट तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश और ये है हमारा फ्लैश देवी पॉइंट। यहाँ से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, महानदी, कृष्णा एंड गोदावरी, और यह बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले डेल्टा बनाती हैं। और यह इसलिए इस एरिया को चावल का कटोरा भी कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत अच्छी कृषि की जाती है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पर हमारा विशाखापट्टनम है, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में हमें विशाखापट्टनम देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा है विशाखापट्टनम, यह बंदरगाह है, बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, विशाखापट्टनम। यहाँ पे ये बहुत ही फेमस बंदरगाह है, बहुत इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, यहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। और आंध्र प्रदेश में प्रदीप नाम का बंदरगाह है, उड़ीसा में और उड़ीसा पर भी में भी एक बंदरगाह है जो बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ पर
वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है। अब हम बात करते हैं कोरोमंडल कोस्ट की, तो यहाँ पे हमारा पड़ता है कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। तो कोरोमंडल कोस्ट जो है तो अर्ध दक्षिण पूर्वी कोस्टल प्लेन्स का जो मैदान है वो अर्ध दक्षिणी क्षेत्र में कोरोमंडल कोस्ट का विस्तार हमें देखने को मिलता है। और यह जो है तो आंध्र प्रदेश के फ्लैश देवी पॉइंट से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है और आकर कन्याकुमारी पर मिल जाता है। यहाँ से कावेरी नदी निकलती है जो गंगा जो बंगाल की खाड़ी में पहुंचने से पहले डेल्टा बनाती है, इसलिए यहाँ के क्षेत्रों की जो भूमि है बहुत उपजाऊ भूमि है, जहाँ पर बहुत ही अच्छे से कृषि की जाती है। और इस एरिया में चेन्नई नहीं पर चेन्नई द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट पर चेन्नई बंदरगाह बनाया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदरगाह है, जहाँ पर वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है देश विदेश को शिप के थ्रू। तो ये रहा हमारा कोरोमंडल कोस्ट। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में हमें दो कोस्ट देखने को मिलते हैं, सॉरी एक नॉर्दर्न सर्कल्स देखने को मिलता है, एक कोरोमंडल कोस्ट। तो नॉर्दर्न सर्कल्स का जो हमारा विस्तार है वो गंगा के पॉइंट से स्टार्ट होता है, पश्चिम बंगाल से होते हुए फिर अब आंध्र प्रदेश में फ्लैश देवी तक इसका विस्तार पाया जाता है। और नॉर्दर्न सर्कल्स का जो विस्तार है वो फ्लैश देवी आंध्र प्रदेश में फ्लैश देवी से स्टार्ट होता है और सुदूर दक्षिणी क्षेत्र में कन्याकुमारी पर आकर इसका एंड हो जाता है। तो दोनों ही क्षेत्र वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स दोनों आकर कहाँ पर मिलते हैं, तमिलनाडु में कन्याकुमारी में आकर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं आइलैंड की कोस्टल कोस्टलाइन। समुद्र तटीय किनारों से दूरी पर आइलैंड का समूह पाया जाता है। तो ये आइलैंड को दो भागों में बांटा गया है, एक अंडमान निकोबार आइलैंड है और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड। तो अरबियन सी में हमारा लक्षद्वीप देखने को मिलता है, लक्षद्वीप आइलैंड है। और बे ऑफ बंगाल में हमारा कौन सा आइलैंड है, तो अंडमान निकोबार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ 572 आइलैंड्स। ऑफ दीज अबाउट ऑलमोस्ट 275 आइलैंड्स आर इनहेबिटेटेड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर 572 आइलैंड पाए जाते हैं, जबकि इनमें से 275 जो आइलैंड है वह इनहेबिटेड है, मतलब वहां पे रहने लायक नहीं है, निवास योग्य नहीं है। और अंडमान निकोबार आइलैंड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक है हमारा अंडमान आइलैंड और दूसरा है निकोबार आइलैंड। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और यह अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वह यूनियन भारत की यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ की जो राजधानी है वह क्या है, पोर्ट ब्लेयर इज इट्स कैपिटल। ब्रिटिश राज्य के समय यहाँ पर कैदियों को जेल भेजा जाता था और था पोर्ट ब्लेयर में, और वो जेल कौन था, सेलुलर जेल। लेकिन जब भारत हमारा आजाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, उस जेल को गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैरन आइलैंड की। ये हमारा जीबी पंत हॉस्पिटल, ये हमारा बैरन आइलैंड। तो बैरन आइलैंड हैज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया एंड इज लोकेटेड इन द निकोबार आइलैंड। यहाँ पे सिर्फ सक्रिय भारत में सक्रिय ज्वालामुखी इस लैंड पर देखने को मिलता है और ये निकोबार द्वीप में स्थित है। सुदूर दक्षिणी भाग में यह आइलैंड इंदिरा पॉइंट पर खत्म होता है। और ये हमारा सेलुलर जेल, जहाँ पर ब्रिटिश राज्य में कैदियों को रखा जाता था, जिसे काला पानी भी कहा जाता था। अब इसे कन्वर्ट कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पंत हॉस्पिटल में। अब हम बात करते हैं अरबियन सी के लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में। द लक्षद्वीप आइलैंड आर ए ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड। और यह लक्षद्वीप आइलैंड का जो ग्रुप है वो कितना है, 36 है।
मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड आर अनइनहेबिटेड, मतलब इस एरिया के जो कई सारे आइलैंड है वह क्या है, निवास योग्य नहीं है, वहां पर लोग नहीं जाते हैं। द आइलैंड ग्रुप इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, और यह भी यूनियन टेरिटरी है, और इसकी राजधानी क्या है, कवरत्ती। लक्षद्वीप आइलैंड आर ए रिंग शेप्ड कोरल आइलैंड, और लक्षद्वीप आइलैंड एक रिंग के शेप्ड में है जिसे कोरल आइलैंड भी कहा जाता है, और यहाँ पर छोटे छोटे समुद्री जीव देखने को मिलते हैं जिन्हें हम पॉलिप्स कहते हैं। अभी ये हमारा कोरल आइलैंड, ये देख सकते हैं आप पिक्चर में इसको। द कोरल गेट डिपोजिट ओवर एनदर एंड इन कोर्स ऑफ टाइम टेक द शेप ऑफ आइलैंड, द कोरल आइलैंड आर ए मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन, और ये जो आइलैंड है वो पर्यटकों के अट्रैक्शन है, मतलब यहाँ पर लोग आते हैं घूमने के लिए क्योंकि यह बहुत ही आकर्षक आइलैंड है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर में कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड के बारे में पढ़ा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव